आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस रूमेटिक खराबी को कहा जाता है। आर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एवं अन्य प्रकार के आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर आपके बड़े जोड़ों को अफेक्ट करता है, जैसे घुटनों को, कंधों को, कूल्हों को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जो साधारण घटे हुए उंगलियों को, छोटे जोड़ों को प्रभावित करता है। मेन जो ज्यादा समस्या रहती है वो घुटने के आर्थराइटिस पे रहती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। घुटने का आर्थराइटिस अलग अलग स्टेजेस में पाया जाता है, अलग अलग स्टेजेस में मरीज हमारे पास आते हैं, और अलग अलग स्टेजेस में आर्थराइटिस के अनुसार हम उन्हें ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। नी रिप्लेसमेंट शॉर्ट जो ट्रीटमेंट है वो हम लास्ट स्टेज के लिए रिजर्व करते हैं। उससे पहले जो भी स्टेजेस होती है उसमें पेशेंट के अनुसार ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। बेसिकली हमारे घुटने के अंदर एक कार्टिलेज की परत होती है। कार्टिलेज एक प्रकार की हेलमेट है जो हड्डी को कवर करके रखती है और घुटने के अंदर लुब्रिकेट से चिकनाई बढ़ाए रखती है। जैसे जैसे आर्थराइटिस का स्टेज बढ़ता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे चिकनाई कम होती जाती है, कार्टिलेज घिसता जाता है, और एडवांस आर्थराइटिस के अंदर कार्टिलेज पूरी तरह घिस जाता है, जोड़ पूरी तरह खराब हो जाता है, जिसमें हमें रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ता है। जो बीच की स्टेज है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आजकल जिस तरह से साइंस प्रगति कर रही है, बीच की स्टेजेस के लिए भी अन्य प्रकार के ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें पहला है रीअलाइनमेंट ऑपरेशन या गैप बढ़ाने वाला ऑपरेशन, जिसे ऑस्टियोटॉमी कहा जाता है। ऑस्टियोटॉमी में भी दो तीन प्रकार है, मीडियल ऑस्टियोटॉमी, लैटरल ऑस्टियोटॉमी, और आजकल एक ऑस्टियोटॉमी प्रचलित है जिसे PFO कहते हैं, प्रॉक्सिमल फिब्रुलर ऑस्टियोटॉमी। ये ऑपरेशन के बारे में आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, जिन्हें करके घुटने को टाइमली ट्रीट करके अलाइनमेंट खराब होने से बचा सकते हैं और आर्थराइटिस को रोक सकते हैं। उसके बाद स्टेज के ऊपर आता है पार्शियली रिप्लेसमेंट, ये आंशिक घुटने का पड़ना होता है, जिसे पार्शियली रिप्लेसमेंट कहा जाता है। पार्शियली रिप्लेसमेंट में सिर्फ घुटने की एक सतह के ऊपर कैप लगाई जाती है, सिर्फ एक साइड के रिप्लेस किया जाता है, अदर साइड नॉर्मल रहता है। पार्शियली रिप्लेसमेंट एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है जो हम बहुत यंग लोगों में या बहुत एल्डरली लोगों में कर सकते हैं। इसके एडवांटेज है कि सर्जरी छोटी है, चीरा फाड़ी कम है, रिकवरी जल्दी है। हाँ, इसका लेकिन एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, कुछ लिमिटेड सिलेक्टेड पेशेंट्स में ही पार्शियली रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका लिगामेंट इंटैक्ट होना चाहिए और आपका जो आर्थराइटिस है वो सिर्फ घुटने के एक कोने पे होना चाहिए, अन्यथा हमें टोटली रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ता है। इससे आगे जब स्टेज निकल जाती है तब हमें TKR या नॉर्मल जिसे हम टोटल की रिप्लेसमेंट कहते हैं, हमें उस पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। मेरी सलाह आपको यही है, जब भी घुटने का दर्द आपको फील हो, आप डॉक्टर के पास जाए, एक्सरे कराए, आप कौन से स्टेज पे स्टैंड करते हैं वो देखें, उसके अनुसार ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक रेगुलर रखें, वॉक रेगुलर करें, वजन पे कंट्रोल रखें, ये हमें प्रयास करें। धन्यवाद।